नमस्कार दर्शकों, मैं सनोज रावत दिल की बात एनपी फिल्म का साथ में आपको हार्दिक स्वागत कर दूँ। आज मैं आपकी मुलाकात करोलो हमारा सुप्रसिद्ध अभिनेता और उत्तराखंड का चॉकलेटी बॉय प्रशांत गगोड़िया जी दगड़, जन की आप जानदा छा कि उत्तराखंड का सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार श्री घनानंद घना जी का सुपुत्र छा। तो आज मैं आपकी एक छोटी सी मुलाकात करोलो प्रशांत गगोड़िया जी दगड़। नमस्कार प्रशांत जी, दिल की बात एनपी फिल्म का साथ में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपन में थे एक बोले। प्रशांत जी, सबसे पहले आप हम थे और हमारे दर्शकों थे अपनो परिचय बता दिया। नमस्कार, जो भी दर्शक आज में थे लाइव दिखना छन एनपी फिल्म का माध्यम से, आप लोगों को बहुत बहुत आभार प्यार और प्रेम सेवा सौली। और मैं दर्शकों से यू बताना चाहता हूँ कि मैं अपना बारे में थोड़ा दुई बात बोल लूँ कि मेरू जन्म जो जिला पौड़ी गढ़वाल गगड़ छू पट्टी गगड़ गाँव में मेरू जन्म हुए। और मेरी जो एजुकेशन है वो पौड़ी गढ़वाल से, मैंने कक्षा 10 तक में पौड़ी गढ़वाल पढ़े हूँ। वे के बाद में डिग्री का खातिर देहरादून शिफ्ट हो गया हूँ, फिर देहरादून से मेरी डिग्री चनी छ। आप तो एक कलाकारी क्षेत्र में कन को आए और कब आई? यदि आप कलाकारी क्षेत्र की बात कर ला तो जन की आप सभी लोग जानता ही छन कि हमारे पिताजी श्री घनानंद घन्ना भाई नाम से प्रसिद्ध छन, हास्य सम्राट छन। और हमारा जो घर को जो माहौल छ वो कलाकारी को छ शुरू से। जी जी, जब से मतलब छोटा बेटी हम देखना चाहूँगा स्टेज शो की फिल्में देख दो तो एक थोड़ा सी होंगे ना, थोड़ा बहुत छीटा मेरा भीतर भी यानी कलाकारी का। जी जी, तो पिछला 16-17 साल से मैं भी काम करना चाहिए संस्कृति में। और बस यही है कि हम तो विरासत में मिली मतलब कलाकारी कहना की मतलब। धन्यवाद प्रशांत जी। सबसे पहले स्टेज प्रोग्राम और सबसे पहले वीडियो गीत कुछ है, जय गीत का माध्यम से आप मार्केट में आए और चर्चित हुए। मैं सबसे पहली जो स्टेज सोच मैंने अपना स्कूल में करे 1998 में। जी जी, उम्र में 10 या 11 साल हो रहे बिल्कुल। और मैंने अपना स्कूल में गाना गुना गया छो और तब थोड़ा सा एक थोड़ा क्रेज बने कि यार अगने आण। वे का बाद मैंने अपने पिताजी दगड़ी बहुत स्टेज शो करनी, छोटा से मैं गांधो गोंदो छो। तो मतलब तब से यह प्रक्रिया चलनी छे मतलब। और यदि आप मेरी वीडियो लाइन का बारे में बात कर ला और वीडियो का बारे में बात कर ला कि कन मा आए और कन मा प्रसिद्ध हुए, तो वीडियो लाइन का बारे में मैं एक बात बोलूँ उन तो मेरे ये जो फील्ड छे, अच्छा अच्छा, ये फील्ड में मेरे गुरु मेरा फादर ही मेरा गुरु छन, मेरे पिताजी मेरा गुरु छन, शुरू से ऊँ देखी उसे ही सीखी। पर सपोज वीडियो लाइन की मैं बात कर लूँ कि मैं तो वीडियो में कुल है, तो वीडियो में मैं तो हण वाला छे मान्या श्री लोक गायक गजेंद्र राणा जी। अच्छा, मैं अच्छा, मतलब जो बहुत हमारे बहुत करीबी रिश्ता छे और आज तक मैं सम्मान कर दूँ को, तो वीडियो लाइन में मतलब वही लाइन है मैं तय की भाई कि एक्चुअली वेन छ कि हम गया छा थरा ली पिताजी दगड़ी प्रोग्राम में। ठीक है, अब पिताजी दगड़ी प्रोग्राम में मैं थरा ले गई तो वह गजेंद्र भाई की नई नई एल्बम निकली छे मालू। अच्छा, अवे का बाद पुष्पा छोरी निकले। अच्छा अच्छा, तो वे वहाँ भैया को बहुत अच्छा क्रेज छो गाँव में प्रोग्राम करने गया, तो मैं भी अपना पिताजी दगड़ी चल गया। अच्छा, तो वह गजेंद्र भाई मिली में से पहली बार, तो मैं नमस्ते नमस्ते करे तो गजेंद्र भाई बोले यार तू दिखेना को अच्छो छे है ना, तो किले नी एक्टिंग वैक्टिंग कर दे। मैंने बोले यार भैया मैं तो कुछ आनू नहीं, तो मेरे पिताजी ने बोले कि जब वो बुनना चाहे तो जैली। मैंने बोले यार मैं तो इन कुछ आनू नहीं, तो गजेंद्र भाई ने बहुत सपोर्ट करे कि भाई हम चाह तू चिंता नहीं कर आओ, तो माँ का पेट से सीखी कोई नहीं आंदो सब धैर्य सीख दन। जी जी जी, तो मैंने बोली ठीक है, तो मैं यूँ की बात अच्छी लगी। हाँ, धीरे धीरे उन में एक राजमती बांध छे की बहुत प्रसिद्ध एल्बम 2005 या 6 में। हाँ जी, तो छमना वाला गाना उन में ऑफर करी। हाँ, और वे छमना से ही थोड़ा मेरी पहचान बढ़ी अग्नि। वे का बाद मैंने नरेंद्र सिंह नेगी को दुई गति वैसाख सुरमा मेरा मुल्क मिला, वे गाना से तब असली प्रसिद्धि में वे गाना से मिली। और लहण वाला जो छिन वो गजेंद्र राणा जी छिन में वीडियो लाइन में। आप हम तक बताओ कि आप अभी तला कत का फिल्म और कत का एल्बम कर चुके थे और आपको वह क्या रिजल्ट रहे? सपोज एल्बम की आप बात कर ले तो सच में बात है तो मैं तभी नहीं पता कि मैंने कद का एल्बम करी छन है ना। 30-40 एल्बम का हेर फेर में करी होली और सुर के एल्बम तो आदमी थोड़ा खुशी होती चाहिए कि भाई मैंने यू करी। वे का बाद थोड़ा जब काम अग्नि मिन्नू रहे तो हमें तभी नहीं पता कि मैंने कदा करी, कुमाऊनी करनी गढ़वाली करनी जौनसारी करी, बीच में फिर भी मुंबई भी छो, फिर मैंने सीरियल भी करी, मैं CID में छो, मैंने GTV को काला टीका एक नाटक आंदो जो GTV में विवाह में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम करी। 6-7 महीना मैंने काम करी उग भी थोड़ा सीख साके जब हम आया तो रीजनल के लिए हमेशा मेरा दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहे। कोई रीजनल की बात करूँ तो वाकई माँ मतलब ना यदि ये चैनल को नाम चु दिल की बात तो इले मैं खुल के बुनू छाँ कि कभी कभी मैं तो इन भी लग दूँ कि यार मैं इस इंडस्ट्री छोड़ दूँ मतलब कि यार इधर का पैसा नहीं खिले हम अपना फ्यूचर बर्बाद करना चाहिए माँ है ना। पर कभी जिन शादियों में जाना तो थोड़ा जब अटेंशन मिलती तो तब लग दूँ कि यार पहचाना ये सही छन हम तो खिले छोड़ है ना। तो
अब फिल्म की दौर की बात करें जहाँ तो मैंने घन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म करी और दौरेला फिल्म करी, भजराम हवलदार करी, उलार फिल्म करी और अभी हाल ही में मेरी एक नई फिल्म बॉडी के गंगा रिलीज़ हुए जैसे लोगों ने बहुत प्यार करी ऋषिकेश में। और अब ये 26 तारीख को हुआ, 26 फरवरी को हुआ उत्तरकाशी में रिलीज़ होनी चाहिए और दिल्ली, कोटद्वार, पौड़ी, मतलब समस्त जगह अभी उत्तराखंड में रिलीज़ होनी चाहिए। और मेरी योच आपका आपसे ये बुन कि प्लीज़ वे फिल्म तो और सपोर्ट करा अपनी लैंग्वेज च और पलायन का ऊपर वह फिल्म च जो लोग अक्सर पलायन जो करना चाहे ना गांव बेटी जो ऋषिकेश देहरादून की तरफ जो रुक मोड़ी हो लोगों को वे का ऊपर और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप लोग जया और इन्जॉय करें। जन की प्रशांत जी, आप जानता छे कि हमारी उत्तराखंडी फिल्म लैन में आर्थिक तौर पर कोई सक्षम नहीं छे, तो ये बारे में आपकी क्या राय? मेरी राय जो पहले तो सनोज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्रश्न मे से पूछे। जी जी, ये प्रश्न बहुत गहरू छ जन कि मैं आपसे बताणु छो कि मैंने पिछला 17 या 18 सालों से मैं ये इंडस्ट्री में छूँ और मैंने अपना तौर पर बहुत उतार चढ़ाव देखने, मतलब तब से और अब तक का। शुरू शुरू में हम लोग जन कब की शूटिंग में जाना छा एक अलग क्रेज छो, एक अलग माहौल छो, खुशी भी होती छे अरे हमारी कैसे टाणी और इंडस्ट्री थोड़ा राइज होनी छे। आज जन धीरे 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 जन जन इंडस्ट्री हमारी अगने जाने जो उन्होंने खत्म होनी छे, ठीक छे, मतलब पहली मतलब दुई पैसे टक्की थोड़ा मिल जानी छे, आज वो भी नहीं मिलनी छे। यदि जो दर्शक में तो दिखना छन बहुत गहरू प्रश्न छियो और मैं अपने इंडस्ट्री वालों तक ये मैं ब्लेम नहीं कर दूँ, कुछ गलती जो छे हमारी सरकार के बीच, सरकार ते हम लोगों की तरफ कुछ दिखने चाहू छे और हमारी जो या बोली भाषा छे कखी न कखी विलुप्त होनी छे, बिल्कुल खत्म होनी छे। आप सपोज दिखला वे तौर बात कर दो मैं सन 80 के, हमारे पिताजी पिछला 40 साल से काम करना छन ये इंडस्ट्री में, या मतलब नरेंद्र सिंह नेगी जी हो यून भी जॉब करे। मेरा फादर जो छन वो फॉरेस्ट में असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर छा, नेगी जी छा वो सूचना विभाग में सूचना अधिकारी छा और उन जॉब का साथ साथ यू सेकेंडरी थिंग रखी अपनी, समझ नहीं था आप तो किले रखी किले की वो तभी पता चाहिए कि वाकई ये जो इंडस्ट्री चाहिए मतलब ईदगाह सक्षम रूप पर वो नहीं ना गवर्नमेंट के द्वारा कुछ छही नहीं इतगार ने जो मतलब गवर्नमेंट तो हमारे बारे में सोचन चाहू छो अपू एक चैनल होंदो, आज जो हम कलाकार अगने आया छे कल कोई और आंदो अच्छे से हम लोग वे थे चैनल का माध्यम से आप रिप्रेजेंट करता, हमारी बोली भाषा जो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए वह आंदी। और अगर ये चैनल का माध्यम से सरकार को कोई भी नेता मंत्री संतरी कोई भी सुनो हो तो मेरी ये गुजारिश है एनपी फिल्म का माध्यम से कि आप थोड़ा अपनी संस्कृति के बारे में कुछ सोचा, हम ही से हमारी संस्कृति की पहचान छ, भले हम दिल्ली रहा, हम चंडीगढ़ रहा, हम पंजाब रहा, हम कखी भी रहा, पर हमारी जो पहचान छ वो हमारा गाँव से छ। कोई बोल दो भाई तू का कुछ है, मैं पौड़ी को छो, अरे पौड़ी क्या जगह को, भले हम कखी भी रहा पर हमारी पहचान से हमारी संस्कृति या कई कोई भी इन चीज हमारी संस्कृति से हमारी पहचान छ। तो सरकार से बस मेरी यही उम्मीद है कि थोड़ा हम लोगों का बारे में सोचा और एक इन रूल निकाला कि भाई जो भी मतलब हमारी जो फिल्में बननी छन ऊँ तय मतलब 100 ऊँ तय कम से कम दयावा और असली जो हम यू गढ़वाली जो कल्चर करना था क्या खुणा करना था गढ़वाल का लोगों खुणा, तो गढ़वाल में ही पिक्चर हॉल नहीं तो लोगों ने फिल्म देखो कग जान। बिल्कुल सही बात, जानकि मैं बुन चाहूँ छो कि बहुत करोड़पति लोग हमारे गढ़वाल से भी छन है ना जो देश विदेश रहना छन ऊँ तो अभी आगने आण छो है ना, चला गढ़वाल ये गवर्नमेंट हमारी नहीं भी बनानी चैनल तो हम मतलब हमारा सोर्स ऑफ अर्निंग बहुत छू, हमारा लोग भी गढ़वाल लोग बहुत सक्षम छन पहाड़ों में भी विदेशों में भी और हर जगह गढ़वाली हर आदिन हर जगह में पहुँचू छ और सक्षम भी छा अपना लेवल में ना, तो थोड़ा उन लोगों से आगने आण छो थोड़ा बोली भाषा के प्रति थोड़ा जागरूक करा है ना, हम लोग थोड़ा सी दबियाँ छा तो केवल यहाँ का चक्कर में है ना, ये चीज़ थोड़ा सी मिल जा तो और हमारी बोली भाषा और जिंदा हो सकती और संस्कृति अग्नि बढ़ सकती, जन स्कूलों में बोली भाषा पढ़े जा अग्नि जो आने वाला जो नाना तीना छिन वो भाषा कखी न कखी हमारी विलुप्त होनी छ, तो ऊँ कुणे वो लोग बहुत कुछ कर सकदन और करना भी छिन, खैर कुछ लोग में निबुन हो जाओगे कोई कानून नहीं तो इन इन बात तो प्रशांत जी जन की आप जानता था कि हमारा जो युवा कलाकार छन जो आज नया कलाकार जुड़ना चाहना हमारे संस्कृति के खातिर काम करना चाह तो उनका बारे में आप उनते क्या संदेश देना चाहला? मैं यही संदेश देना चाहूँ कि भाई जब जुजन सिंगिंग में आनो छो या कोई एक्टिंग में आनो छो तो थोड़ा सीख के आवन, थोड़ा सीख भाई जब आजकल ईदगाह अच्छा अच्छा वो छन विद्यालय छन संगीत विद्यालय है ना, कुछ ना कुछ कुछ सीख के आ कुछ ना कुछ प्रतिभा हो एक भीतर जो समझ चुके मैं ये लायक छो
और आवा तो मैं थोड़ी रुकी कहते हैं आवा बहुत मोस्ट वेलकम छ आवा अपनी संस्कृति के लिए काम करना चाह ये से बड़ी बात और क्या छ। पर एक ये मंच के माध्यम से मैं एक संदेश देने चाहता हूँ कि आवा पर ये जो कलाकारी लाइन छ ये से रोजी रोटी नहीं चाहिए। एक पल के लिए सिंगरों की चल जाए, एक पल के लिए जब नौ दौड़ गीत, पर सपोज जो लोग नया आना छन तो भाई एक रोजगार अपन तय कर लिया कि थोड़ा ये सेकेंडरी थिंग रखा, मतलब ये कलाकारी थे कलाकारी के साथ साथ एक इन व्यवसाय पकड़ा जो से कुछ अर्निंग आनी रहा आदमी की, तो बस यही संदेश छे मेरो। आप तब से जुड़िया छन ये कलाकारी लाइन में, आप तब मा अब मा क्या अंतर लग दो? यदि दिखे जा तो मैं तब मार अब मैं बहुत ज़्यादा अंतर लग दो और अंतर लगनी लगी हूँ, मतलब हर दिन एक नई अंतर लग दो मैं कि पहले की यदि मैं बात करूँ तो पहले एक उमंग छ काम करने की कि भाई हम सीढ़ी आनी छो हमारी एक सीढ़ी तो पूरे गांव दिख दो छो लोग, मतलब विचार भी वे जमन में यार सीढ़ी के जो चलन छो एक को रहने छो सीढ़ी और वो सीढ़ी हम मांगी ले जाना छो गाँव बेटी कभी कहते दिखाना कभी वो दिखाना, एक सीढ़ी पूरे गाँव दिख दो छो एक उमंग छ एक उलार बहुत अलग छ। हम तो भी बहुत खुशी होनी छ कि यार हम मतलब गढ़वल में काम करना चाह दुई लोग पछड़ता छा एक सम्मान मिल दो छो है ना, और धीरे 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 वो जो क्रेज छ वो धीरे धीरे खत्म होने लग गए, खत्म इले होने लग गए कि जो श्रोता छ मतलब जो दर्शक छ वो खुद कलाकार बन गए, ड्राइवर बनू मैं कलाकार छ, कंडक्टर बनू मैं कलाकार छ, जो होटल में भाड़ा मजाण बनू मैं कलाकार छ, तो मतलब एक वो ना कि मतलब एक सीमित पब्लिक रहेगी, मतलब कि यार अपनी इंडस्ट्री के लिए बहुत सीमित पब्लिक रहेगी यार मेन नहीं बुनू छो देखो जैमा प्रतिभा छो आण चेणो चाहे ड्राइवर छो कंडक्टर छो कोई भी, पर फिर भी थोड़ा सा तो वो रखने चेणो एक दायरा एक आर्टिस्ट को तमाम जैसे कलाकारी आने भी नहीं वो भी कलाकार बनियो छो, तो मतलब आजकल की डेट में तो हर कोई कलाकार बनियो, हर गाँव से कम आपते हैं 10 या 15 कलाकार दिखे जाता, मतलब पूरे गाँव ही कलाकार होगी जन नेता होगी ना पूरे गाँव उन्नी पूरे गाँव कलाकार होगी है ना। तो अंतर भी जहाँ पहले की सपोज में बात करूँ तो हम लोग टेक्निकली बहुत वीक छा, पहले का जन अपन सी डी देखी ली तो बहुत उम्रदार लोग हीरो हीरोइन उम्रदार छा, धीरे धीरे आज ट्रेंड मतलब बदली छ युवा लोग आना छन खूबसूरत लोग आना छन टैलेंटेड लोग आना छन प्रतिभा का धनी लोग आना छन और टेक्निकली भी हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग छा, मतलब आज का जो वीडियो सपोज कोई दिख दो बिच तो भी प्यार कर दो अपना वीडियो से कि हाँ भाई यू काम होनो छ जब से मतलब यू अच्छी अच्छी टेक्निक चलनी देन यू ड्रोन कैमरा चली थी ये से उत्तराखंड हमारे बहुत अच्छा एक्सप्लोर होंगे है ना। तो अंतर भी जहाँ चेहरा अग्नि भगवान जानू कद का अंतर और आ जबकि मैं दिख दू छ कि नई प्रतिभा का अंदर बहुत लगन छ कुछ नया तरीके से चांदी हुआ उनकी सोच जो चु बहुत ऐच छ, तो मतलब अंतर डे बाई डे होने ही। प्रशांत जी जन कि हम सभी जानता छा कि आपका पिताजी श्री घनानंद घना जी उत्तराखंड का सुपरिचित हास्य कलाकार छ, तो आपने कभी उनका नाम को इस्तेमाल करी कि उनका नौ को इस्तेमाल तो समझ लिया आप शुरू से लेकर अभी तक उनका नौ को इस्तेमाल करना था है ना पर मतलब गलत विमान नहीं करना था, मतलब एक गलत तरीका में या गलत कुछ हरकत इन कर दे इन माना, मतलब नौ को इस्तेमाल हम इन माने करे कि भाई हम कलाकार छा कि भाई मैं उनका लड़का हूँ मेरे को काम दो, जन कि मैंने आपने बताया थे कि मेरे जो काम देने वाला वीडियो लाइन में गजेंद्र राणा जी इनमें बहुत सपोर्ट करी यार वाकई में उन मेरे अपड़ो एक इतना अच्छा गाना दे जैसे मेरी प्रसिद्धि वेच मतलब वैसे मैं थोड़ा एक पहचान मिले वे का बाद मैं अपड़ी फिर थोड़ा भगवान की जैसे मैं अभी थोड़ा टैलेंट छो तो मैं धीरे धीरे करी आज यक तक छो चाहे मैं देखा लोग नहीं भी पछड़ने वाला पर थोड़ा बहुत जो भी पछड़ो छो वो मेरा अपना टैलेंट से। और रही बात आप जन मे से बुना छा ना कि उनको फायदा कन में उठाया अपन फायदा मैंने इन माँ उठाया कि जन कभी जन बैंकों में लंबी लाइन रहती तो फटाफट मुंडे नहीं करना सीधा कि अरे उनका लड़का तो अरे उनका लड़का है तो थोड़ा अटेंशन मिल जाती या बिल कभी जमा करना छन या मतलब कभी कुछ इन रेंद कभी बिना हेलमेट का चलना छा पहले पुलिस वाले ने पकड़ देते उनको नौ ले देते फिर उनमें कई चीज़ें मतलब इन माम फायदा लेना ही था मतलब। प्रशांत जी मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लें दूँ, मैं आपसे एक आखिरी सवाल कर दूँ कि आपको हमारा दर्शकों की खातिर क्या संदेश देना चाहते आप? दर्शकों ते जो ये एनपी फिल्म का माध्यम से जो दर्शक मित्र सुनना छन और अग्नि भी सुनना राला उनका प्रति मेरे योच बुन की अपनी बोली भाषा ते नहीं छोड़ा, हमारी बोली भाषा कखी न कखी बिल्कुल विलुप्त होनी छ मतलब बिल्कुल गायब होनी छ, हम चाहे दिल्ली रहा या पंजाब रहा या चंडीगढ़ रहा या भैर देश रहा हमारी पहचान हमारी संस्कृति से छ मतलब हमारी बोली भाषा से छ, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बोली भाषा तय बोला छोटा बच्चों जो नई पीढ़ी छ ऊँ तो यूँ पता है कि हम गढ़वल छा पर ऊँ तो यूँ नहीं पता कि हमारी लैंग्वेज क्या छ, ऊँ तो केवल यूँ पता है कि भाई हम गढ़वाल से छा हम गढ़वल छा पर ऊँ तो यूँ नहीं पता कि हमारी लैंग्वेज क्या, हमारी लैंग्वेज छ पहाड़ी या कुमाऊनी या भोटिया या जौनसारी
जो भी मतलब जय की मदर टंग जो जो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपनी बोली भाषा ते बोला, ये भाषा ते प्यार करा, है ना, कखी ना कखी यह भाषा बिल्कुल विलुप्त होनी चाहे। और ज्यादा के बुन एक सपना मेरे और छ कि मैं यू दिखना चाहूँ छो कि हम लोगों की जो उम्र का लोग छन जन 22 साल या 27 साल या मतलब जो युवा पीढ़ी छ या टीन एजर्स जो भी आना छन, वो थोड़ा अपनी बोली भाषा में बात करना और एक प्राउड होना चाहूँ कि भाई हम उत्तराखंडी छा, और गर्व से बोला कि हम उत्तराखंडी छा। आज यदि आप उत्तराखंड की बात कर ला तो हमारा उत्तराखंड से कद का बड़ा बड़ा नौ जो छ देश विदेशों में नौ कहूँ छ, जन हमारा मान्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री छन, अजीत डोभाल जी जो सलाहकार छन हमारा रक्षा मंत्रालय का, है ना, बहुत बड़ा बड़ा लोग छन जो मतलब हमारे गढ़वाल तो बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करना। और भगवान की दया से अग्नि जो यू पीढ़ी आनी चाहिए या और भी टैलेंटेड चु यून आज हमन देश में करी, यू विदेश में अपड़ परचम लहरा ला। और बस यही संदेश है मेरू कि गढ़वाली बोली भाषा बिल्कुल नहीं छोड़ा, बस बुनियारा चाहे टूटी फूटी बोला पर बोला। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी आपको, आपने अपना कीमती समय हम तय देनी और अपना दिल की बात एक मर की। धन्यवाद सनु जी, और धन्यवाद आप लोगों को जो अपन इदगा कीमती समय अपने जिंदगी को मैं ते दे और मेरा बारे में जानी। और बहुत अच्छे लगनो जो मैं भी एक, और मैं एक बात बुन छानो कि यू जो एनपी फिल्म्स जी यूँ लोगों ने एक मुहिम खड़ी कही चाहिए जो क्षेत्रीय कलाकारों थे इदगा बढ़ावा मिलनी चाहिए चैनल के माध्यम से। और मैं खुद ही ये दिल की बात बहुत फॉलो कर दो, मिन मान्य श्री गढ़ रतन नरेंद्र सिंह नेगी जी को इंटरव्यू देखी छो और तमाम जदगा भी लोगों अपने इंटरव्यू देखी उनका बारे में जानी, बहुत अच्छी लगी। और मैं एक बात बोल चाहूँ कि ये चैनल तय लाइक करा, सब्सक्राइब करा और शेयर करा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कल को जो आपको फेवरेट कलाकार जो आलू है ना, तो वे का बारे में आप तक जानने को मिल लूँ, नई अपडेट्स मिल ली। और धन्यवाद आप लोगों को जो आपन में तो एक बुलाई और वाकई में तो प्यार और सम्मान दे ये का वास्ता, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।